हेलो एंड वेलकम टू सी एस ट्रेंडिंग विद मी नेहा। हिंदी हमारी मातृभाषा जरूर है, लेकिन जज आपको इंग्लिश पर ही किया जाता है। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन बात ये है कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी इंग्लिश पर इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ। दरअसल हाल ही में दिलबर गर्ल नूरा फतेही के इंग्लिश पर कमेंट करने की वजह से उन्हें खूब ट्रॉल किया जा रहा है। हुआ यूं कि रैपर रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिल्ली की एक अधेड़ उम्र की महिला लड़कियों को शॉर्ट ड्रेस में देखने के बाद हंगामा कर रही है। आप खुद ही देख लीजिए कि इस वीडियो में कैसे ये महिला लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने पर उनके साथ रेप हो जाना चाहिए ऐसी बातें कह रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रफ्तार ने भी इस पर कमेंट करते हुए लिखा कि ये आंटी चाहती हैं कि लड़की अगर छोटे कपड़े पहने तो उसके साथ रेप हो जाए। आंटी इस बात का प्राइम एग्जांपल है कि सोसाइटी के साथ दिक्कत क्या है। आंटी जैसे मत बनिए। इस वीडियो को देखने के बाद जहां एक तरफ महिला सशक्तिकरण पर और सम्मान को लेकर लोग बात कर रहे थे, तो वहीं नोरा फतेही ने भी एक कमेंट किया जिसका मेन मुद्दे से कोई लेना देना ही नहीं था। नूरा ने लिखा, वाह, उसने तो वाकई इंग्लिश का रेप कर दिया, बस फिर क्या था। नूरा के इस तरह के कमेंट के बाद ट्विटराटी ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया। एक ने लिखा कि ये इंग्लिश के बारे में नहीं है मैम, ये उनकी सोच के बारे में है जो उसने लोगों के सामने रखी। तो एक यूजर ने लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मामला क्या है, कुछ बीमार मानसिकता वाले लोगों का काम सिर्फ इंग्लिश को जज करना है। नूरा को लगातार उनके ऐसे कमेंट के लिए खरी खोटी सुनाई जा रही है। बहरहाल तो आंटी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और उसमें लोगों की छोटी मानसिकता भी दिख रही है। भारत में आज भी लड़कियों को अपनी मर्जी से रहने की आजादी नहीं है और ये आंटी की अभद्र टिप्पणी साफ बता रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या राय है, और सीएस ट्रेंडिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।